नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के नवीन जिलों तथा संभागों से संबंधित। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में नव जिलों का गठन हो चुका है, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी आज की क्लास में हम लेने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जब बजट 2022-23 आया था, तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम कुछ नए जिलों की आवश्यकता है, कुछ संभागों की आवश्यकता है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे राम लोबाया समिति का गठन किया गया। और 7 मार्च 2023 को राम लोबाया समिति ने 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की थी, और इनका जो स्थापना है 7 अगस्त 2023 को शुरू की गई। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि राजस्थान में टोटल जिले कितने हो गए हैं, 50 तो जिले हो गए हैं, और अगर संभागों की बात करें तो अब 10 संभाग हो गए हैं। तो पहले 7 संभाग थे, जैसे कि दीप्ति मैम ने बताया, तो वो 7 संभाग कौन कौन से, अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो 7 संभाग थे? तो जैसे पहले संभाग थे बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर एंड कोटा संभाग। तो ये 7 संभाग पहले थे, लेकिन अब 3 नए संभाग इसमें जुड़ गए हैं, पाली, सीकर, बांसवाड़ा। इसे यमी जिलों को याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, जिसे बांसवाड़ा, सीकर और पाली, तो बासी, पालक, 3 नए संभाग हमारे बने हैं। अब अगर हम बात करते हैं नवीन जिलों की, तो देखिए हमने राजस्थान का जो नया जिलों के साथ का मैप है उसे बहुत ही सही तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नए जिले कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे नवीन जिलों की पहले ट्रिक देख लीजिए आप, ए बी बी डी डी डी, देन 4 times J, 3 times K, SSSNGF, न्यू गर्लफ्रेंड। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो, ए से हमारा है अनूपगढ़, देन बी से बालोतरा एंड ब्यावर। ठीक है, तो एक बार आपको ए लेना है और 2 बार B, 1A, 1A, BBB, DDD। अब ट्रिपल डी में क्या है, डी डिडवाना, कुचामन एंड दुदू। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए अनूपगढ़, तो देखिए ये गंगानगर और बीकानेर से अलग हुआ है और हमारा एक नया जिला बना है जो है अनूपगढ़। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बालोतरा की, तो ये देखिए बालोतरा यहाँ पर एक नया जिला हमारा बन गया है। तीसरा अगर हम बात करें अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर, और ब्यावर नवीन जिले का गठन हो चुका है। डीग भरतपुर में आता था, लेकिन अब डीग जो है वो हमारा एक अलग जिला हो गया है। डीडवाना कुचामन बहुत सारी नागौर से चीजें ले गया है और एक नया जिला बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीडवाना कुचामन जो है ये एक नवीन जिला है। तो हमने ट्रिक क्या याद करी, सबसे पहले हमने एक ए याद रखे, फिर बी बी, फिर डी डी डी, इतना हमने देख लिया। ए से क्या हो जाएगा, अनूपगढ़, बी से बालोतरा, देन ब्यावर, देन डीग डीडवाना एंड दूदू दूदू। ठीक है, दूदू जो है ये जयपुर से अलग हुआ है। अब उसके बाद हमने अगली ट्रिक देखी है 4 times J। 4 times J में जयपुर के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं और जोधपुर के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो जे में हम देखेंगे जयपुर एंड जयपुर ग्रामीण, जोधपुर एंड जोधपुर ग्रामीण। ये देखिए ये जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, और इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं जयपुर की, तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण। 4 times J, तो ABBBDDD, देन 4 times J हो गया हमारा। उसके बाद हम देखते हैं SSS। ट्रिपल एस कौन कौन से हो जाएंगे, ट्रिपल एस है सलुम्बर, साचौर एंड शाहपुरा। सलुम्बर उदयपुर से अलग होके सलुम्बर बना है, देन साचौर जालौर से अलग होके साचौर, देन शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग होके शाहपुरा। और अब शाहपुरा जो है वो किसका भाग हो गया है, ध्यान रखें अजमेर का भाग हो गया है शाहपुरा। पहले हम भीलवाड़ा शाहपुरा बोलते थे, लेकिन अब अजमेर संभाग का भाग, अजमेर संभाग का भाग हो गया है। अब ट्रिपल एस के बाद अगर हम बात करें ट्रिपल के की, तो ट्रिपल के में क्या क्या आ जाएंगे, ट्रिपल के में है केकड़ी, कोटपुतली बहरोड एंड खैरथल, तीसरा। तो अगर हम बात करें, देखिए केकड़ी अजमेर संभाग में आ गया है, उसके अलावा कोटपुतली की अगर हम बात करें तो कोटपुतली बहरोड, इसी के साथ खैरथल, खैरथल, तिजारा, ये जो है ये 3 नए जिले जयपुर से संबंधित हैं। और लास्ट में आपको न्यू गर्लफ्रेंड याद रखनी है, NGF, न्यू गर्लफ्रेंड में N यानी नीम का थाना सीकर के अंदर था पहले, लेकिन अब ये एक नया जिला बन गया है। देन जी से है गंगापुर सिटी, इधर यहाँ करौली से अलग हुआ है गंगापुर सिटी, और उसके बाद F यानी फलौदी, जो कि
जोधपुर से फलौदी पोर्शन जो है वो अलग हुआ है। ये रहा फलौदी। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें की नए जिलों से संबंधित। अब अगर इससे संबंधित कुछ नई नई चीजें हम देखें कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा, तो जैसलमेर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है अभी। और अगर इसका विस्तार देखें तो 89588 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है जैसलमेर संभाग का। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो बांसवाड़ा संभाग जो कि उदयपुर से अलग होकर नया संभाग बना है। और इसमें कितने जिले हैं? इस बड़ा में 3 जिले हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। और इसकी अगर हम विस्तार की बात करें तो 13256 वर्ग किलोमीटर ही है, सबसे कम जिले इसके अंतर्गत है, 3 ही जिले हैं। और देखिए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर हम बात करते हैं अजमेर संभाग की, तो अन्य 8 संभागों से इसकी सीमा लगती है अजमेर की, प्लस इसे मध्यवर्ती संभाग कहा है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा को नहीं बनाता है, ना ही किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी राजस्थान के नवीन जिलों से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।